अलमैकम वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एनी साउथ मेहंदी आर्टिस्टी अच्छा आज जो मैं मेहंदी सिखाने जा रही हूँ वो बेसिकली है स्टीकर मेहंदी जिसपे काफ़ी लोग क्लासेस दे चुके हैं लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ईजी और अच्छी टेक्निक लेके आऊँ ताकि जो लोग मेहंदी नहीं लगा सकते या जिनको नहीं लगाना आती वो घर पे easily मेहंदी लगा सकें ये जो मेरे पास स्टीकर मौजूद हैं ये करीम से मिलते हैं बहुत ईज़िली और इसको आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं इस तरह की स्टीकरस हैं अच्छा अब यहाँ पे मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है कि ये मेरे पास स्टिकर के बंचेज़ हैं चाहे तो आप ये पैरों पर भी लगा सकते हैं इस स्टिकर को सबसे पहले चिपकाते हैं स्किन के ऊपर आप चाहे जहाँ भी रखें इसको इस तरह या पैरों पे हाथों पे और पैरों पे और इसके बाद ये मेरे पास फिंगर्स के डिज़ाइन हैं ठीक है थीके? और ये मेरे पास है मिडिल बंच ठीक है ये इस तरह का आप चाहें तो इसके आसपास कोई दूसरी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं लेकिन मैं आज इसी के ऊपर क्लास लूंगी तो मैं इसी के हवाले से बात कर रही हूँ इसके अलावा जो मेरे पास मौजूद है वो है ये साइड का जो कि यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से बेल्ट की तरह लूँगी ऐसे ठीक है और इसके अलावा मेरे पास ये मौजूद है इस तरह का बेल्ट जिसमें से मैंने ये कट किया है ये वाला ठीक है तो ये वाला जो बेल्ट है ये पूरा बेसिकली पैरों के लिए है जो कि साइड्स का जो डिज, डिज़ाइन बनता है पैरों पे बेल जो बनती है या बीच में आप इसको बेल के तौर पे दे सकते हैं या इसको पाजेब स्टाइल में पैरों के ऊपर लगा सकते हैं तो अब जब मैं लगाऊंगी और जब अप्लाई करके बताऊंगी तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा कि इस क्लास का मकसद क्या है बहुत ईज़ी और आ, हर कोई लगा सकता है घर के अंदर बैठ के मेहंदी लगाना अब कुछ मुश्किल नहीं रहा ठीक है मुझे यहाँ पर जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है ये इस तरह स्टिकर्स ठीक है ये मेरा साइड बंच है Uh, मेरा बेल्ट है ये मेरा बीच का बंच है ये मेरे फिंगर का uh, आ गया है और इसके अलावा जो मेरे पास यहाँ मौजूद हैं वो ये है अर्क की कौन चाहे तो आप इसको अर्क से भी अप्लाई कर सकते हैं या जेल मेहंदी आती है जेल मेहंदी है मेरे पास इसके अलावा ये मेरे पास नॉर्मल मेहंदी जो सादी कौन मेहंदी मिलती है वो है ये और इसको फैलाने के लिए जब मैं आगे यूज़ करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्या मकसद है और ये मैंने क्यों यूज़ किया ये ब्रश या फिर ये कॉटन बन ठीक है ये जो बंच है मेरे पास मैं इसको सबसे पहले स्टिकर से यहाँ से निकाल के और इस जगह अप्लाई करने वाली हूँ इसका मैं मिडिल निकालूंगी ये जो बीच वाली फिंगर है यहाँ से हमारा मिडल निकलता है और ये मेरा बीच है जो कि मेरी कलाई और ये मेरे पंजे के बीचों बीच आएगा ठीक है मैंने यहाँ पे इस तरह स्टिकर्स को जो है वो चिपका दिया है ऐसे ये स्टिकर्स मेरे पास मौजूद थे जो मैंने आपको दिखाए थे और उसके बाद मैंने इसको इस तरह प्रेस कर दिया है और ख़्याल रखना है कि जब आप इसको लगा दें तो उसको हल्का सा एक हाथ से प्रेस भी करें ताकि कहीं से भी उखड़ा हुआ हो तो डिज़ाइन आपका मैसअप ना हो ठीक है अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर मेहंदी की कोन निकालूंगी मतलब कोन मेहंदी के जरिए जो मेहंदी है वो इसके ऊपर निकाल के और फिर उसको इस ब्रश की मदद से या फिर ये कॉटन बड़े मेरे पास इसकी मदद से लगाऊंगी ताकि जितनी मेरी एक्स्ट्रा मेहंदी है वो निकल जाए और फिर देखिए क्या होता है जी तो ये मेहंदी जो है वो मैं यहाँ निकालने लगी हूँ इधर इस तरह बहुत रफली से निकाल रही हूँ और जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा होगी मैं इस ब्रश के थ्रू उसको फैलाऊँगी ये मेरे पास ब्रश मौजूद है जिसके ज़रिए मैं इस मेहंदी को बहुत एहतियात के साथ कि मेरा स्टीकर के बाहर की तरफ ना जाए मेरी मेहंदी और जब ये ड्राई हो जाएगी तो हम इस स्टीकर को बहुत एहतियात से उतारेंगे जी तो मैं यहाँ पे आज जो क्लास देने जा रही हूँ स्टिकर के ऊपर तो मैंने यहाँ पे स्टिकर सबसे पहले अप्लाई किए उसके बाद मैंने इसके ऊपर मेहंदी अप्लाई की थी जो मेरी पिछली वीडियो में आपने देखना होगा और अब जो है जब ये ड्राई हो जाएगी कम्प्लीटली ये कुछ कुछ ड्राई होने लगी है तो फिर मैं इसका आपको आफ्टर रिजल्ट भी दिखाऊँगी ये यहाँ पर मैंने अंगूठे पर भी लगाई है अच्छा मैंने जो स्टिकर चिपकाए हैं वो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाए हैं कि जब ये स्टिकर्स हटेंगे तब आप देखिएगा कि दिल की यह हार्ड शेप की कुछ लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और कुछ लाइन नीचे की तरफ आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो एक ही सीक्वेंस में लगाएं क्रिएटिविटी आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है ये एक आर्टिस्ट का काम है कि वो किस तरीके से अपने पास मौजूद चीज़ों को जो भी उसे अवेलेबल हैं ये उनको यूज़ करें ठीक है इस तरह मैंने इसको मेहंदी ब्रश के थ्रू फैला दी थी थोड़ी सी मेहंदी रफली निकाली और इस तरह कि मेरी ये मेहंदी जो है वो साइड्स पे ना निकले एक बात का बिल्कुल कंप्लीट ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी मेहंदी है ये कंप्लीट ड्राई हो जाए उसके बाद फिर आपने इसको हटा के और कोई भी महफिल आप अटेंड कर सकते हैं इसको लगा के जी तो वेलकम बैक और यहाँ पे मेरी जो मेहंदी है वो ऑलमोस्ट सूख चुकी है और मैं स्टिकर जो है वो हटाने लगी हूँ यहाँ पर बहुत स्लोली और बहुत आराम से इसको इस तरीके से रिमूव करना है ठीक है जी तो ये मेहंदी के जो मैंने स्टिकर्स उतारे तो और उसके बाद ये इस तरीके से आया है इसका रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हैं बहुत इजी तरीका बहुत 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 इजी तरीका और होप सो आप लोगों को आज की क्लास जो है वो समझ आई होगी ये है मेरा फुल डिज़ाइन तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छी वीडियोज़ के साथ मैं हाज़िर होंगी थैंक यू अल्लाह हाफिज़